वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम जो हैं अब हम आगे चलकर कुछ और टूल्स के बारे में बताएंगे और ऑप्शन के बारे में सीखेंगे हम। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम प्रिंटरशिप प्लेटफॉर्म में जो है वीडियो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वही वीडियो नहीं देखी तो ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से इसके जो ऊपर वाले वीडियो है वो देख सकते हैं या नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है तो आप से वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं हम यहाँ से हमारे पास बहुत से आइडियो भी दी हुई हैं प्लेमोरा वालों ने, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। हम अगर हम कोई वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना होगा, इसके अलावा ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे। या अपने कंप्यूटर में अगर आपके पास ऑडियो है तो आप वहाँ इंपोर्ट भी कर सकते हो, या इंपोर्ट म्यूज़िक पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप म्यूज़िक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास यहाँ पर टाइटल दी हुई है, आप बहुत से टाइटल है यहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हैं, जो भी टाइटल आपकी प्रोजेक्ट के लिए अपने यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट के लिए आप ये टाइटल यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है आने वाले वीडियोस में हम यूज़ करेंगे ये सब। फ़िलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ इंटरफेस बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन भी हम अपने वीडियोस और फोटोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने सिंपल ड्रैग ड्रॉप करना है या डबल क्लिक करके अपनी वीडियोज़ पर डाल देना है। यहाँ से सिंपल बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ से आप प्रीसेट चेक कर सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, 3D है, स्पीड ब्लर है, रैप है, प्लेन शेप, बहुत मुख्तलिफ शेप है, आप जिस जो भी आपकी मर्ज़ी है यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स हैं, कलर ग्रेडिंग वाले, जो इफेक्ट भी आप अपने वीडियो पर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, यहाँ से जो भी इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में भी बहुत सारे जो हैं एलिमेंट्स हैं, यहाँ ये भी आप अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हैं वो इमोजीज है और बहुत से एलिमेंट्स हैं, यहाँ से आप एरोस है मुख्तलिफ जो हैं यहाँ पर एलिमेंट अवेलेबल हैं। लास्ट में है हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ से हम दो स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में या आपने रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे, एक तरफ जो है वीडियो प्ले हो रहा होता है, दूसरी तरफ जो है रिएक्शन कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्प्लिट स्क्रीन है, आप जो है एक साथ में जो है एक स्क्रीन में जो है मल्टीपल वीडियोस जो है वो एक साथ प्ले कर सकते हैं। ये था आज का ऑप्शंस एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।